हेलो दोस्तों, मैं हूँ अनुपमा और अनुपमा फूड्स चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आज अपने वीडियो में शाही आलूदम और फ्राइड राइस बनाने वाली हूँ जो झटपट बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आप इसे तुरंत में बनाकर तैयार कर सकती हैं। तो चलिए बनाती हूँ आलूदम और फ्राइड राइस। तो आलूदम बनाने के लिए छोटे साइज़ के आलू को उबालकर छील ली हूँ। अगर आपके पास छोटे साइज़ के आलू नहीं है तो आप बड़े साइज़ के आलू को भी उबालकर इस तरह से पीस में कट करके ले सकते हैं। इस तरह से पीस में कट कर लीजिए। केवल एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आलू को हमें बहुत ज़्यादा नहीं बॉयल करना है। और मसाला बनाने के लिए थोड़े से टमाटर रफली काट करके ले ली हूँ, थोड़े से प्याज, 8-10 काजू, 4-5 हरी मिर्च, तो 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 8-10 लहसुन की कलियाँ, इन सबको छील करके ले ली हूँ। और थोड़े से ये खसखस के दाने हैं, इससे सब्जी का टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। और फ्राइड राइस बनाने के लिए 2 ग्लास चावल को अच्छे से धोकर आधे घंटे इसे फूलने के लिए छोड़ दी थी ताकि हमारा जो फ्राइड राइस तैयार हो वो काफ़ी अच्छा खिला खिला तैयार हो। तो ये मैं इसे इंडिया गेट चावल ली हूँ। आप चाहें तो अरवा चावल में कोई भी अच्छा चावल ले सकती हैं। और फ्राइड राइस बनाने के लिए ही थोड़े से बारीक कटे हुए गाजर, बीन्स, 2 तेज़पत्ते, थोड़े से काजू छोटे टुकड़ों में काट ली हूँ और थोड़े से गरम मसाला। तो चलिए जल्दी फटाफट बना लेते हैं हम। फ्राइड राइस बनाने के लिए एक कुकर में जिस ग्लास से मैं चावल ली थी उसी ग्लास से 2 ग्लास चावल ली थी, तो इसी ग्लास से मैं 3 ग्लास पानी इस कुकर में डाल दे रही हूँ। क्योंकि फ्राइड राइस बनाने के लिए आप जितनी क्वांटिटी में चावल लेती हैं उससे बस 1 ग्लास ज़्यादा हमें पानी यूज़ करना है। अब इसी पानी में 2 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक डालकर गैस ऑन कर देती हूँ कि हमारा पानी गर्म होता रहे। तब तक मैं चावल फ्राई कर लूँगी। जब तक हमारा पानी कुकर में गर्म हो रहा है तब तक चावल को फ्राई कर लेती हूँ। चावल भूनने के लिए एक कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाल दे रही हूँ और इसे गर्म होने देती हूँ। घी हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें 2 तेज़पत्ते, थोड़े से गोटा गरम मसाला जो ली थी, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी दालचीनी का टुकड़ा, 2-3 लौंग, इन सबको थोड़ा सा गर्म होने देती हूँ। थोड़े से काजू जो तोड़ कर चली थी उसे भी इसमें ऐड कर देती हूँ, हल्का सा भून लेती हूँ। और बाकी जो गाजर और बीन्स ली थी इन्हें भी डालकर भून लेती हूँ। बस इन्हें हमें हल्का ही भूनना है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं इसे भूनना है। और इसमें प्लीज़ आप घी का ही यूज़ करें फ्राइड राइस भूनने में, तो फ्राइड राइस का स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। बीन्स और गाजर हमारे भून गए हैं। अब जो चावल को धोकर छान कर ली थी उसे इसमें ऐड कर देती हूँ और इसे भी 2 से 3 मिनट भून लूँगी। हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 2 से 3 मिनट भूनने से हमारा जो फ्राइड राइस तैयार होगा वो काफ़ी अच्छा बनेगा। चावल के दाने बिल्कुल अलग अलग होंगे। तो चलिए इसे भी भून लेती हूँ थोड़ा सा। चावल हमारे अच्छे से भून गए हैं। अब इन्हें जो कुकर में पानी गर्म करने के लिए रखी थी उसमें डाल देती हूँ इन चावल को, और 1 सीटी प्रेशर लगा दूंगी इसमें, तो हमारा फ्राइड राइस बनकर तैयार हो जाएगा। भुने हुए चावल को कुकर में डाल दी हूँ और इसे इसका ढक्कन बंद कर
एक सीटी आने का प्रेशर दे देती हूँ, बस एक सीटी का ही हमें प्रेशर देना है और गैस बंद कर दूंगी तो हमारा फ्राइड राइस बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन एक बात को और भी ध्यान रखना है कि जब प्रेशर दे उसके तुरंत बाद हमें सीटी का प्रेशर निकाल देना है कुकर का, नहीं तो हमारा जो फ्राइड राइस वो काफ़ी गल जाएगा। तो इस जब तक इसमें प्रेशर आ रहा है, एक सीटी देगी हमारी कुकर, तब तक हम शाही आलू दम बना ले रहे हैं। आलू दम बनाने के लिए उसी कढ़ाई में एक चम्मच सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ। तेल जब हमारा गर्म हो जाएगा तब जो बॉईल करके आलू ली थी उसे इसमें डालकर भूनूंगी। तेल गर्म हो गया है, इसमें अब आलू को डाल के भून लेती हूँ। आलू में एक छोटा चम्मच नमक और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालकर आलू को अच्छे से भून ले रही हूँ। कुकर में एक सीटी प्रेशर दिख चुका है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इसे 2 से 3 मिनट बाद ही इसका पूरा प्रेशर निकाल कर चावल बाहर निकाल लूँगी फ्राइड राइस को। आलू हमारा अच्छे से भून गया है, ये देखिए। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेती हूँ और इसके बाद मसाला भून कर उसका तैयार कर लूँगी। आलू को भून कर बाहर निकाल रही हूँ। अब इसी कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ, इसकी जगह आप बटर भी यूज़ कर सकती हैं, हाफ बटर और हाफ रिफाइंड तेल डालिए। तेल को गर्म हो जाने देती हूँ। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें 2 तेज़पत्ते डाल दे रही हूँ और जो मसाले ली थी प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च टमाटर काजू पोस्तू सबको पीस कर एक बारीक पेस्ट तैयार कर रही हूँ, इसे इसमें डाल देती हूँ। इन मसालों को डालकर अच्छे से भून लूँगी। ये जब तक भून रहे हैं तब तक हमारा फ्राइड राइस तैयार हो गया है। कुकर का प्रेशर निकाल कर इसे एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। फ्राइड राइस को एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र करके इसे अलग अलग कर ली हूँ। एक साथ रहने से ये सटने लगेंगे। ये देखिए बिल्कुल खिले खिले हमारे फ्राइड राइस बनकर तैयार हुए हैं और झटपट बन भी गए हैं। इसे बिल्कुल हमें अलग अलग कर देना है इस तरह से। ये देखिए फ्राइड राइस हमारा बनकर तैयार है। सारे मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं, प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च जो पेस्ट हम भून रहे थे बस इसे ही हमें अच्छे से भूनना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इसका पूरा कच्चापन निकल जाना चाहिए प्याज लहसुन का। अब गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देती हूँ और बाकी सारे सूखे मसाले ऐड कर दे रही हूँ इसमें। एक छोटा चम्मच नमक आप टेस्ट के हिसाब से ही डालिएगा और ध्यान से, क्योंकि आलू भूनने के समय में भी नमक हल्का सा डाली थी। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक बड़ा चम्मच सब्जी मसाला पाउडर, थोड़ा सा मसाला और डाल रही हूँ, ये मसाला मेरा घर का ही तैयार किया हुआ है। एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब इन मसालों में थोड़ा सा पानी डालकर इसे भून दे रही हूँ। गैस का फ्लेम थोड़ा सा हाई कर देती हूँ और इन मसालों को भी अच्छे से भून दे रही हूँ। सारे सूखे मसाले भी हमारे अच्छे से भून गए हैं। अब इसमें एक खास चीज़ जिससे हमारी सब्जी का टेस्ट सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा, एक कटोरी फ्रेश मलाई ली हूँ। ये घर की ताज़ी मलाई है जो घर में दूध से निकाली हुई है, इसे फेंट कर ले ली हूँ। अब गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देती हूँ और इस मलाई को इस मसाले में ऐड करती हूँ और हमें बिल्कुल धीरे धीरे इसे चलाते हुए मिलाना है। जब ये अच्छे से मिल जाएंगे मसाले तब गैस का फ्लेम थोड़ा सा और हाई करके इसे अच्छे से भून लूँगी। इसी से जो हमारा सब्जी का टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। चलिए इसे भी अच्छे से भून ले रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हमें बहुत हल्के हाथों से मिलाते हुए, नहीं तो मलाई जो है वो फट जाएगी
और टेस्ट ख़राब हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल लो फ्लेम में इसे धीरे धीरे करके मिलाएं और उसके बाद थोड़ी देर बाद गैस का फ्लेम हाई करके इसे अच्छे से भून लें। मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं, ये देखिए मसालों से ऑयल रिलीज होने लगी है। हमें मसालों को इतना ही भूनना है, हमारे मसाले जितने अच्छे भूनेंगे उतना अच्छा हमारा सब्जी बनकर तैयार होगा। अब इसमें जो आलू भून के रखी थी उसमें ऐड कर देती हूँ और इसे भी थोड़ा सा मिलाकर एक से दो मिनट तक भून ले रही हूँ। ये मेरी मम्मी की स्पेशल रेसिपी है, शाही आलूदम और फ्राइड राइस। मेरी मम्मी बहुत ही टेस्टी बनाती हैं। मैं सारी कुकिंग तो अपनी मम्मी से ही सीखी हूँ, लेकिन ये रेसिपी उनकी तो लाजवाब, उनके हाथों के अगर खा लेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनाती हैं मेरी मम्मी। तो प्लीज़ आप इस रेसिपी से एक बार ज़रूर फ्राइड राइस और शाही आलूदम बना करके देखिए, सबको खाने में बहुत अच्छा लगेगा। इसे एक से दो मिनट तक भून लेती हूँ। मसाले और आलू हमारे अच्छे से भून गए, अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दे रही हूँ क्योंकि थोड़ा हल्का ग्रेवी रहने से अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करें। और इसे ढककर 4 से 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी एकदम लो फ्लेम पर, ताकि आलू और ग्रेवी हमारे अच्छे से एक साथ मिक्स हो जाए। तो चलिए इसे ढककर 4 से 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देती हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं, सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। आप चाहें तो इसमें आलू की जगह पनीर और मटर भी भून करके मिला सकती हैं, जिससे आपका मटर पनीर का सब्जी बन जाएगा। मसाले एंड ग्रेवी यही रहेगी आपकी। चलिए अब प्लेटिंग कर लेती हूँ। ये लीजिए हमारा फ्राइड राइस आलू दम बनकर तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए, सबको खाने में बहुत आनंद आएगा। ये देखिए हमारे फ्राइड राइस के दाने बिल्कुल खिले खिले और अलग अलग हैं। आप इस रेसिपी से ज़रूर फ्राइड राइस और आलू दम बनाइए, साथ में आप सलाद या रायता कुछ भी सर्व कर सकती हैं। इस तरह से आप किसी के गेस्ट को या अपने भी बना करके बच्चों को देंगी तो बहुत बच्चे पसंद से खाएंगे। प्लीज़ आप इस रेसिपी से ज़रूर एक बार बना के ट्राई कीजिए। धन्यवाद।